नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे महिला व प्रजनन तंत्र के संक्रमण के बारे में। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। प्रजनन तंत्र के संक्रमण से होने वाले जनन अंगों के संक्रमण है। हालांकि प्रजनन तंत्र संक्रमण पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ये महिलाओं में अधिक होते हैं क्योंकि उनके शरीर की रचना और कार्य प्रणाली कीटाणुओं के आसानी से प्रवेश के लिए अधिक अनुकूल है। जो प्रजनन तंत्र संक्रमण यौनिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग, यौन संचारित संक्रमण या राजित रोग कहते हैं। बता दें कि जनन अंग क्षति पहुंचते तथा योनि में सामान्यतः पाए जाने वाले कीटाणुओं की अत्यधिक वृद्धि के कारण भी संक्रमित हो सकते हैं। वहीं सामान्य स्वास्थ्य का खराब स्तर, जनन अंगों की अस्वच्छता तथा कम आयु में यौनिक क्रिया की शुरुआत आदि से महिलाओं में प्रजनन तंत्र संक्रमण से होने की संभावना अधिक हो जाती है। आमतौर पर अधिकतर महिला असामान्य योनि स्त्राव तथा जनन अंगों पर जख्म आदि जैसी व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में चर्चा करने में बहुत झिझक शर्माती है क्योंकि उन्हें यौन संबंधित समस्याओं पर चुपचाप रहकर बर्दाश्त करने रहना सिखाया गया है। यह भी एक डर रहता है कि यदि कोई महिला प्रजनन तंत्र संक्रमण विशेषतः एसटीडी से पीड़ित है तो उसे बदचलन कहा जा सकता है। अपर्याप्त यौन शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं की कम उपलब्धता के कारण उपचार करवाने में झिझक होती है। इसके अलावा घर के निर्णय लेने वाले जैसे कि सास महिला को गर्भ संबंधित समस्याओं जैसे कि गर्भावस्था तथा संतानता के लिए तो स्वास्थ्यकर्मी के पास ले जाने की अनुमति दे देती है, लेकिन अधिक यौनि स्त्राव जैसे मामूली लक्षणों के लिए नहीं। बता दें कि प्रजनन तंत्र संक्रमण को गंभीरता से न लेने का एक अन्य कारण यह भी है कि उनसे जान को सीधा खतरा नहीं होता है। वे महिला के शरीर में घर बना लेते हैं और लंबे समय तक चलने वाला पेट दर्द या कमर दर्द अथवा निसंतानता जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। महिलाओं में प्रजनन तंत्र संक्रमण के कारण होने वाले कुछ लक्षण इस तरह है। असमान योनि स्त्राव जो दुर्गंधपूर्ण तथा सामान्य से अधिक मात्रा में होता है। बाह्य जनन अंगों पर जख्म, पेल्विक इन्फ्लामेंट्री डिजीज के कारण पेड़ों में दर्द। इसके अलावा प्रजनन तंत्र के संक्रमण की उपस्थिति का संकेत इन लक्षणों से भी मिल सकता है, जैसे संभोग के दौरान दर्द या रक्त स्त्राव होना, जांघों में दर्दनाक गांठें होना, पेशाब करते समय जलन व दर्द, जनन अंगों के आसपास खुजली होना। यदि प्रजनन तंत्र संक्रमण का शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो कई जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि PID, निसंतानता, HIV, संक्रमण होने की अधिक संभावना, गर्भाशय से बाहर गर्भधारण, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर तथा मृत्यु। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था संबंधित जटिलताएं भी हो सकती है, जैसे कि समय से पहले प्रसव, जन्म के समय बच्चे का कम वजन, मृत्यु बच्चा पैदा होना, गर्भपात या जन्मपात विकार, जन्म के समय योनि से गुजरते हुए बच्चों को आँखों का संक्रमण हो सकता है जिससे अंततः निमोनिया तथा अंधापन भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।